और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईएएस राजेंद्र विजय पर एपीओ और कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार का यह बड़ा एक्शन है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है क्योंकि सुबह से ही तस्वीरें देखने को मिली है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है और सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय जिनको एपीओ किया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें देखने को मिली, एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अब जो बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में वो आपको दे रहे हैं। सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय एपीओ किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह से ही जो है एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, उसकी तस्वीरें भी सामने आई, एक साथ अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई और अब जो है इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी आपको दे दे, कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। तो 10 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज लिया था और उसके बाद से ही उनकी गतिविधियों पर नजर थी और एसीबी की तरफ से जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। सुबह से ही कार्रवाई देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की तस्वीर भी सामने आई। अब सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। उनके पैतृक गांव में जो मकान है उसको भी सील किया गया और फिलहाल इस मामले में अपडेट यही है कि कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, सरकार का ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। और चलिए